दूसरा जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट को अभी शायद 23 फरवरी को जुम्मे को आया है, तो उसमें भी परवेज परवाज का जो मतलब लंबा मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग पिटिशन था, काफ़ी सालों से चल रहा था और आपकी दलील चल रही थी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन इन टू दैट एफ आई आर, मतलब वही पुराने वाले एफ आई आर का जहाँ पे वो सी डी का मामला निकला था, तो वो भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए वो पहली उसमें दो एस्पेक्ट थे, पहला तो एस्पेक्ट ये था कि केस जो हम लोगों ने फाइल किया था वो ये फाइल किया था कि इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड बाई सम अदर एजेंसी इंस्टेड ऑफ सी बी सी आई डी, ये इनिशियली रिट 2008 में ही फाइल हो गई थी। 2008 के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे थी प्रोसीडिंग, 4-5 साल स्टे रही, फिर 2012 में जाकर के स्टे ख़त्म हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फिर ये स्नेल पेस चल रहा था। 2015 में जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, सी बी सी आई डी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, उससे हमारी नॉलेज में ये बात आई कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, चार्जशीट इज फाइनल, बट सैंक्शन अंडर सेक्शन 153A फॉर प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई इन दिस मैटर रिमेन पेंडिंग। 153A का सैंक्शन अंडर सेक्शन 197 CRPC चाहिए था, वो सैंक्शन 2015 में ही स्टेट गवर्नमेंट से CBCIG यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मांग लिया था, बट दैट रिमेन पेंडिंग फॉर 2-3 years, एंड रिपीटेडली दे हैव फाइल द एफिडेविट कि साहब सेंक्शन हमें चाहिए बिकॉज ऑफ दैट रुका हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट रुका हुआ है, ये चल रहा था। 2017 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी, ऑल ऑफ ए सडन इंटायर स्पेक्ट्रम चेंज्ड। अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ कोर्ट ने इनसे पूछा कि साहब आपने सेंक्शन पर क्या किया, एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपने एक ऑर्डर पास करके ला के दे दिया कोर्ट को कि साहब हमने सैंक्शन रिफ्यूज कर, तो अब हमें मजबूरी थी, अब हमारे सामने दूसरा रास्ता एक ये था कि हम इस सैंक्शन ऑर्डर की भी लीगलिटी को चैलेंज करते, एंड दैट इलीगलिटी वॉज दैट द पर्सन द अक्यूज कैनॉट बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, द पर्सन कैनॉट बी जज ऑफ हिज ओन कॉज, जो बेसिक प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर इसको चैलेंज किया, इसलिए कि ये खुद मुलजिम है, खुद ही चीफ मिनिस्टर हैं, अक्यूज नंबर वन ये खुद हैं, 2008 से ये मैटर पेंडिंग है, कोई आज का नहीं है, और इसके बावजूद इन्होंने सैंक्शन अपने फेवर में डिसाइड कर दिया। और चैलेंज करने की दूसरा एक रीज़न, दूसरा एक जो लीगल रीज़न था वो ये था, अंडर द यूपी बिजनेस रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन का जो तरीका है उसमें जो रूल 3 में जो शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल में दिया हुआ है कि विच पावर विल बी एक्सरसाइज बाई विच अथॉरिटी, इन दैट केस जो शेड्यूल का 12 का 8 है, शेड्यूल 2 का 8 क्लॉज है, उसमें दिया हुआ है कि रिगार्डिंग एनी स्प्रेडिंग एनी एनिमोसिटी एमंगस्ट द पीपल रिगार्डिंग ऑफेंसेस फॉर दैट ऑर्डर शुड बी पास बाई द चीफ मिनिस्टर, दैट इज द ओनली अथॉरिटी देयर, तो इन दिस केस ऑल्सो चीफ मिनिस्टर इज पासिंग द ऑर्डर इन हिज, द चीफ मिनिस्टर हैड टू पास द ऑर्डर इन दिस केस, एंड व्हाट दिस ऑर्डर सेज द विच वॉज बाय मीन्स ऑफ विच द सैंक्शन वॉज रिफ्यूज, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सेंटेंस, कि जब आप इसका मतलब ये कि जो अथॉरिटी कम्युनिकेट कर रही है उसको किसी ने ऑर्डर किया है, एंड ही इज जस्ट कम्युनिकेटिंग दैट ऑर्डर, हु इज दैट अथॉरिटी, माई सबमिशन वॉज बिफोर द कोर्ट दैट इट इज द चीफ मिनिस्टर एंड नन एल्स, नाइदर द गवर्नर नॉर एनी अदर पर्सन, एंड दिस एस्पेक्ट वॉज वेरी शैबिली कंडक्टेड ट्रीटेड बाई द कोर्ट, एंड सम वेरी अनयूजल टाइप ऑफ रूलिंग हैड बीन लेड डाउन। तो अब नाउ द पोजिशन इज कि अब हम लोग इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, और नेचुरली नेक्स्ट मंथ में होली के बाद किसी वक्त फाइल में जाना चाहिए। यू सेड अर्लियर टू अस दैट देयर वाज एफर्ट्स बाय द प्रोसिक्यूशन, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आदित्यनाथ, टू कम्युनलाइज दिस केस, हाउ डिड दैट, वो कैसा मतलब फिरका पर इस जमान में किस तरह कोर्ट में इसको पेश करने की कोशिश? देखिए दो पिटिशनर हैं,
एक हैं परवेज परवाज, एक हैं असद हयात. यू मे बी नोइंग दैट फादर ऑफ असद हयात वॉज मिस्टर ईश्वर दयाल. यस यस आई नो. दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट इन द कोर्ट टू आइडेंटिफाई द पिटिशनर नंबर टू असद हयात बाय द नेम ऑफ हिज फादर ईश्वर दयाल. And very vehemently, the counsel who came from Delhi, the day one he started his argument, on this aspect also. Achha, and that too, tab, jabke court ne initial hearing ki start mein ye baat kaha tha ki Mr. Mishra, Mr. Naqvi, aapse personal hum logon ki request hai ki this case should be conducted purely in a legal manner and not on your पॉलिटिकल वीव्स. कोर्ट ने ये बात ओपनली कोर्ट में कही कि मैंने साहब हम तो बिल्कुल वही करेंगे. थ्री डेज दिस मैन आर्गूड मिश्रा केम फ्रॉम लखनऊ फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल द टाइम ही ट्राई टू एक्सकेवेट अबाउट असद हयात पास हिस्ट्री एंड ऑन दैट बेसिस दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट दैट द मैटर बी हर्ड आइदर इन द कंटेक्स्ट दैट परवेज परवाज इज फाइलिंग केस अगेंस्ट असद हयात और असद हयात इज ए इम्पोस्टर हु हैड बीन इम्पोज बाई समवन एल्स हियर ऑन देयर बिहाफ फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स एंड इट इज ए प्योरली ए केस विच इज कमिंग फ्रॉम सम कम्युनल फोर्सेज हु आर अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट. ये इनका जो डिजाइन था लेकिन कोर्ट ने इसको तीसरे दिन सुन तीन दिन उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दी. तीसरे दिन उनसे कहा कि नहीं कुछ नहीं ये सब बात आपकी कुछ नहीं. इसलिए जब हमारा रिप्लाई आ गया रिप्लाई सुनने के बाद कि हमारा रिप्लाई सिंपल था कि देर इज नो क्लॉज इन एनी लॉ विच प्रोहिबिट्स दैट असद हयात कैन नॉट बी द सन ऑफ ईश्वर दयाल और ईश्वर दयाल कैन नॉट बी द फादर ऑफ असद हयात. तो देर इज नो सच क्लॉज इन एनी लॉ. इट मीन्स देयर आर्गूमेंट इज बेसलेस एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू कम्युनलाइज द इशू. तो कोर्ट ने हमारी बात मतलब उसको उन्होंने कंसीडर भी नहीं किया कहीं एक लाइन उसके बारे में आई नहीं. सो फाइनल क्वेश्चन इज द होल इशू अबाउट द सीडी द वेरी क्रूशियल इशू अबाउट द सीडी एंड द एविडेंस. अ लॉट ऑफ द केस रिलाइज अपॉन द सीडी दैट वाज सप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू प्रूव दैट द स्पीचेस मेड एट द टाइम इन 2007 वर इन्फ्लेमेटरी इनसाइटफुल वायलेटिव ऑफ द लॉ. एज द केस गोज वेयर्स ऑन एज टाइम गोज ऑन वी आर फाइंडिंग दैट द There's almost like a doctoring of evidence or a replacement of evidence. What do you have to say about the CD? That CD, actually CD ka ye matter hai, ki 2007 mein jo inki record hui thi speech jiske baad mein communal riot hua, wo basically us kya hai wo CD, wo station ke bahar unhone 10-12 minute ki speech hai, wo record hui thi. Wo jab FIR Parvez Parvaz ne likhai hai to uske saath एप्लीकेशन के साथ सीडी की ट्रांसक्रिप्ट वो सब जगह भेज रहे थे. अल्टीमेटली जब ये एफआईआर नहीं हुई इन लोगों ने कुछ नहीं किया फिर तो 156(3) के तहत जब इन्होंने एप्लीकेशन वहाँ एफआईआर लॉन्च करने के लिए सीजीएम के यहाँ दिया था उसके साथ वो सीडी सील कवर में कोर्ट को दी गई थी उसके साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट दे दी गई. 2008 से वो सीडी कोर्ट के रिकॉर्ड में थी. उसके बाद ये पूरी हिस्ट्री आपको मालूम है क्या हुआ. फिर 2012 तक स्टे रहा सुप्रीम कोर्ट से. जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे खुला और 2015 तक इनके एफिडेविट्स आते रहे और 17 तक एफिडेविट्स आते रहे उसमें किसी स्टेज के ऊपर इन्होंने ये बात नहीं लिखी कि साहब कोई एक सीडी जी थी वो भी एग्जामिन करके सीएफएसएल लैब से रिपोर्ट ऑब्टेन की गई है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि साहब ये सीडी डॉक्टर्ड है. ऐसी कोई एफिडेविट इनका नहीं है. दिस फैक्ट फर्स्ट टाइम केम इन टू द नॉलेज इन टू आवर नॉलेज ऑन 11th of May 2017 दैट दिस सी डी वॉज गॉट एग्जामिंड बाय द सी बी आई लैब इन दिल्ली इन द ईयर 2014 एंड द सी बी आई लैब हैड फाउंड दैट इट इज अ डॉक्टर सी डी. This fact first time came into knowledge because prior to that they are filing affidavit लगातार affidavit आ रहे हैं कि साहब ये हो गया ये हो गया ये हो गया इनका बयान ले लिया हूँ. कहीं पर सी डी का एग्जामिनेशन की बात नहीं आ रही बट इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट आती है. अब रही बात ये जो और उसी के बेसिस पे सेंक्शन इन्होंने रिफ्यूज़ किया है.
सैंक्शन जो रिफ्यूज़ हुई उसमें उन्होंने लिखा कि बिकॉज CABI की रिपोर्ट, CFSL लैब की रिपोर्ट ये कहती है कि दिस CD इज़ डॉक्टर्ड, दैट इज़ वाई देर इज़ नो ओकेजन टू ग्रांट सैंक्शन, सैंक्शन रिफ्यूज। अब CFSL लैब की रिपोर्ट है, उसमें दो चीज़ें सामने आई, तीन चीज़ें बहुत ही शॉकिंग चीज़ें जो लैब की अपनी, जिसके ऊपर इनका हेवी रिलायंस था, हमने उसके ऊपर, हमने कहा साहब चलिए इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ए वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैड गिवन दैट रिपोर्ट, ही गिवन हिज डिग्री। फर्स्ट पैराग्राफ सेज कि साहब जब ये रिपोर्ट CD खोली गई, इसका पैकेट खोला गया, तो एक प्लास्टिक कैप था, उसमें ये सील था, इस तरह से था। जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से एक पेपर निकला, पेपर के अंदर एक CD लिपटी मिली। वो पेपर जो था सिटी फोकस नाम का गोरखपुर का पेपर है, January 2014 का। पहली चीज़ तो ये निकल के आई, जो CD हमने 2008 में दे दी थी वो जब वहाँ सील खोली जा रही तो उसमें January 2014 का पेपर निकल रहा है। दूसरी चीज़, अब दूसरी आई कि साहब CD में दो पार्ट निकले, एक में सैफरन वॉर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है और एक कोई और फिल्म का नाम उन्होंने दिया कि साहब ये डॉक्यूमेंट्री। उस सेकेंड वाली डॉक्यूमेंट्री की क्रिएशन की डेट भी उन्होंने दे दिया कि वो 2013 में क्रिएट हुई, ये उन्होंने खुद कह दिया। सैफरन वॉर के बारे में पता चला हमको कि साहब ये फिल्म भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी राजीव यादव वगैरह ने लखनऊ के, और ये फिल्म भी इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया ये 2013 जनवरी में कराया गया। अब हमारा आर्गूमेंट कोर्ट में ये आया कि अगर ये CD हमने 2008 में दे दी थी, हमारी तरफ से अगर मान लीजिए 2008 में दे दी थी, तो ये CD जब इनको वहाँ खोली जा रही तो 2014 का निकल रहा हो, ये दिखा रहे हैं कि चार दिन बाद लैब की रिपोर्ट है, चार दिन पहले का पेपर है, तो ये सील कोर्ट से होकर के अगर गई थी क्या? उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है? कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, सील तो 2008 में हो गई एज पर रिकॉर्ड। अब इन्होंने एक आर्गूमेंट ला के दिया कि नहीं नहीं परवेज परवाज ने ये CD दोबारा 2014 में 13 में इन्होंने उसको दे दी थी IO को। कैसे दे दी थी? इसका ना कोई पंचनामा बना है, ना कोई इन्वेंट्री है, ना कुछ है। एज पर प्रोसीजर जो है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस में आ रहा है तो उसकी इन्वेंट्री बनेगी, दैट इन्वेंट्री इज नॉट देयर एक्सेप्ट दिस मच, परवेज परवाज ने हमको आज ये CD दिया 23/13 या कुछ ऐसे डेट है। नो साइन नथिंग, नाइदर एनी इन्वेंट्री, नाइदर एनी विटनेस, नथिंग। कोई रिकवरी अगर होगी दैट इज़ अ रिकवरी, एविडेंस है तो दैट इज़ अ रिकवरी, तो रिकवरी होगी, मेमो बनेगा तो एविडेंस होगी, अब विटनेसेस होंगे, कोई नहीं था बात। हमने कोर्ट में ये भी कहा, हमने कहा चलिए एक मरतबा हम मान लेते हैं ये CD भी हम ही ने दिया फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, टू मीट आउट द आर्गूमेंट। ये CD की डेट है 27/1/13, कहते हैं कि हमने अपने स्टेटमेंट में 27/1/13 को इनको दिया था। अब इसकी रिपोर्ट आप देखिए, ये जो थर्ड एस्पेक्ट निकल के आता है वो लिखता है CFSL लैब की, इन्हीं की रिपोर्ट लिखती है, CD वॉज ओपन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, साइंटिफिक और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, इट वॉज फाउंड दैट दिस CD वॉज क्रिएटेड ऑन 28/4/14। जो चीज़ हमने 13 में दे दी थी उसका क्रिएशन 14 में हो रहा है, तो इस एस्पेक्ट को भी आपको देखना है कि अगर हम वो मान के चल रहे हैं कि चलिए वो CD भाई 2008 वाला इग्नोर कर दें, ये मान लीजिए, तो ये 14 में कैसे क्रिएट हो सकता है वो डॉक्यूमेंट जो हम 13 में दे चुके CD। इसके ऊपर बहुत ही फनी टाइप का एक जजमेंट कोर्ट ने ये दे दिया कि साहब डॉक्यूमेंटेशन एंड एंटी डेटिंग का प्रोसीजर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, एंड इट अपीयर्स दैट समहाउ और द अदर दिस CD द डेट ऑन द CD वॉज क्रिएटेड आफ्टर सम टाइम आफ्टर इट वॉज हैंडेड ओवर टू CBCI। अब सवाल ये उठता है कि आफ्टर, अगर हमने दिया है, कोर्ट ने ये बिलीव कर लिया कि हमने दिया था और उसके बाद इसमें डेट चेंज हुए एज पर कंप्यूटर एनालिस्ट, जो उनके पास एक रिपोर्ट कहीं से वो अपना कहते हैं कि साहब हमने ये एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं,
तो जिस दिन हमने दे दिया फ्रॉम दैट डेट इट इज़ विद द पुलिस, तो इट इज़ नॉट इन माई कस्टडी, तो इसका मतलब पुलिस ने इसमें मैनिपुलेशन किया है। तो पुलिस ने अगर मैनिपुलेशन किया तो देन बर्डन लाइज अपॉन देम टू एक्सप्लेन, बट कोर्ट इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन दैट व्हाई दे हैव बीन चेंज, एंड ऑन दिस बेसिस दिस आर्गुमेंट वाज आल्सो रिपीटेड। दिस इज द बेसिक सीडी वाला जो एस्पेक्ट है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप जजमेंट पढ़ेंगे कि साहब इस तरह से भी कोई केस decide ho sakta hai. Sir, you will go forward with this case, both the cases in the Supreme Court, you will yes. challenge both in of them. In Rashid Khan's case, the SLP is ready. Yeah. And they have sent it for a draft to me, I will see to it in the vacation and then the next week it will be filed. Okay. And this, for this, they are there in Lucknow, in Delhi, consultations may be going on, any time it will be filed. You still have hope in the portals of justice? There is no other वे वी कैनॉट से, बिकॉज अगर होप ना हो तो फिर कुछ करने का मतलब ही नहीं, तो हम लोग तो लड़ना तो ज़रूरी है, इसलिए कि अगर अच्छा और गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, जजेज ऑल्सो ह्यूमन बींग, मे बी कि गलती हुई हो कोर्ट से तो दैट विल बी करेक्टेड बाई द हायर कोर्ट, तो इंसान ही से भाई हम ही से गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, जजों से भी गलती हो गई होगी, इंसान ही है, समझने में कोई बात गलती हो सकती है तो वो करेक्ट करेगा, वो लीगल एस्पेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट करेगा, तो वी होप दैट जस्टिस विल बी डन एंड वी विल विन। थैंक यू सो मच फॉर दैट।